नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। गाइस मेरे पास देखिए, मेरे पास वीवो मोबाइल है एंड मैं आज का जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कोई भी वीवो मोबाइल पे एंड चाहे आप दूसरा कोई कंपनी का यूज क्यों ना कर रहे हो, कैसे फैक्ट्री डाटा रिसेट करेंगे एंड फैक्ट्री डाटा रिसेट करने के साथ साथ क्या होगा, आपका मोबाइल पे जितना भी डाटा सभी डिलीट होगा एंड जैसे आप नया मोबाइल लिए थे सेम ऐसे हो जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आपका रैम रोम सभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका मोबाइल पर जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, चाहे आपका SMS हो, चाहे आपका मेल हो, चाहे आपका कॉन्टैक्ट हो एंड चाहे आपका वीडियो ऑडियो या इमेज हो, सेफली ट्रांसफर करें दूसरा डिवाइस में एंड उसके बाद ही फैक्ट्री डाटा रिसेट करें, क्योंकि यहाँ पे 100% गाइज बता दूं, यहाँ पे पूरा डाटा डिलीट होगा। एंड और एक चीज़ है, आप अपना मोबाइल को चार्ज में लगा के फैक्ट्री डाटा रिसेट करें, या तो फिर अगर चार्ज 50% से ऊपर है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए इसको वीडियो शुरू करते हैं एंड मेक योर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के जो वीडियो आपको और भी आगे मिल जाएगा। चलिए इसे वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे वीवो मोबाइल पे आप दो तरीके से कर सकते हो फैक्ट्री डाटा रिसेट। सबसे पहले जो इजीएस्ट तरीका बताऊंगा, मैं सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मोर सेटिंग मिलेगा। मोर सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको एक मिलेगा बैकअप एंड रिसेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिसेट नेटवर्क सेटिंग, रिसेट ऑल सेटिंग एंड इरेज ऑल डाटा, तो यहाँ पे देखिए इरेज ऑल डाटा, इसके ऊपर क्लिक करना। बट गाइस यहाँ पे बता दो, अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते हो तो और भी एक प्रोसेस है, मोबाइल को आपको कंप्लीट स्विच ऑफ करना है। उसके बाद आपका जो वॉल्यूम अप एंड पावर की साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखना है एंड उसके बाद जब तक यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिखा ना आते आपको वहाँ पे प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको जो है स्क्रीन काम नहीं करेगा, आपको वॉल्यूम अप डाउन की यूज करना है एंड ओके के लिए यहाँ पे पावर की यूज करना है। एंड आपको बता दूँ, यहाँ पे जो अप डाउन करने के लिए ऑप्शन आएगा एंड उसके बाद आपको जो क्लियर डाटा ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक करके करना है। तो यहाँ पे जो सिंपल तरीका, इरेज ऑल डाटा, इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेट फोन स्टोरेज एंड इरेज SD कार्ड, ये दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मेट फोन स्टोरेज करना है। अगर आप SD कार्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी डाटा है सभी यहाँ पे डिलीट होगा। तो यहाँ पे क्लियर नाउ नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर नाउ, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपका जो पासवर्ड है जनरल सा आपको दे देना है, आपका स्क्रीन लॉक पासवर्ड। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे और एक बार पूछ रहा है कि यहाँ पे 3 सेकंड टाइम है, आप क्लियर करना चाहते हो कि नहीं। यहाँ पे ओके कैंसिल या ओके, देखिए यस मेरे को ओके करना है तो ओके मैं क्लिक करूँगा। एंड सिंपली देखेंगे आप यहाँ पे जो है डिलीट होना, इरेज होना शुरू हो जाएगा आपका मोबाइल पे। एंड यहाँ पे वीवो मोबाइल जो यहाँ पे शो हो रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ होगा एंड स्विच ऑफ होने के बाद कुछ सेकंड टाइम लगेगा एंड ऑटोमेटिक जब ओपन होगा आपके पास यहाँ पे, जैसे आप नया मोबाइल लेते सेम ऐसे ही लुक आएगा, बिल्कुल ही पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्लियरिंग डाटा हो रहा है एंड डू नॉट यूज योर फोन, अभी बता रहा है कि अभी यूज ना करें फोन को। एंड यहाँ पे कुछ मिनट टाइम या कुछ सेकंड टाइम लगा एंड उसके बाद क्लियर डाटा हो जाएगा, तो आपको कुछ सेकंड वेट करना है, मैं अभी वेट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रिसेट होने के बाद आपके पास जो यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा, आपका मोबाइल पे अलग होगा एंड यहाँ पे सेटअप योर फोन, तो यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। एंड जैसे आप नया मोबाइल लिए थे सेम ऐसे आपको सेटअप करना है आपको मोबाइल पे, आपका नाम डालना है, इंग्लिश या लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपका यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एग्री करके नेक्स्ट कर लेना है। एंड आपको ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर देके लॉगिन कर लेना है। अगर वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको जो बैकअप के लिए, अगर आप बैकअप लेके रखे हो तो वहाँ पे बैकअप ले लेना है। उसके बाद जैसे नॉर्मल सा फ़ोन आप सेटिंग करते हो सेम प्रोसेस कर लेना है एंड आप जो है इसको फिर से नया मोबाइल की तरह सेटअप कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको जो वीडियो पसंद है एंड अगर वीडियो पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।